साथियों, कोविड-19 के दौरान हमने देखा कि बहुत सारे शिक्षक साथियों ने अपने घरों में ही अपनी सुविधा के अनुसार अपने संसाधनों का उपयोग करके अपने विषयों का अलग अलग पाठों पर अपने वीडियो बनाए हैं। हालांकि इन वीडियो को हम और भी बेहतर बना सकते थे, तो चलिए बात करते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में जिससे हम इन वीडियो को और भी बेहतर बना सकते हैं। चलिए आज हम बात करेंगे स्टॉप मोशन सॉफ्टवेयर की। ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, यानी ये आसानी से और फ्री में उपलब्ध है। हमें सिर्फ गूगल क्रोम में जाकर, अगर आप लैपटॉप उपयोग कर रहे हैं तो गूगल क्रोम में जाइए और गूगल क्रोम में जाकर इसे डाउनलोड करना है और फिर ऑफलाइन इसका हम उपयोग कर सकते हैं। यदि आप एंड्रॉयड का यूज़ कर रहे हैं तो एंड्रॉयड में आप प्ले स्टोर में जाइए और स्टॉप मोशन ऐप को डाउनलोड करेंगे और ऑफलाइन इसका उपयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम अपनी वीडियो को, जो हमारे विषय से संबंधित वीडियो है, इसे और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं स्टॉप मोशन सॉफ्टवेयर के बारे में, इसे हम कैसे आगे उपयोग करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन सॉफ्टवेयर को हम पहले गूगल क्रोम में जाकर डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करके हम इसे ओपन करेंगे। डबल क्लिक करते ही स्टॉप मोशन सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, हम इसको चूज करेंगे, ओके करेंगे। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है हमें, हम यहाँ प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देंगे, जैसे लाइफ साइकिल। ओके, मेनू बार में जाएंगे और मेनू बार में ऐड फ्रेम में जाकर हम डेस्कटॉप से या जहाँ भी आपने पिक्चर्स सेव कर रखी है पिक्चर्स, इसे चूज करेंगे। हम एक साल एक से ज़्यादा पिक्चर चूज करेंगे। एक साथ ज़्यादा पिक्चर सिलेक्ट करने के लिए आप कंटिन्यू कंट्रोल की को दबाएं और पिक्चर सिलेक्ट करते जाएं। जैसे ही पिक्चर पूरी सिलेक्ट होगी, जिसे आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एक साथ एक से ज़्यादा पिक्चर हम सिलेक्ट कर रहे हैं। ओपन में जाएंगे, क्लिक किया हमने, जितनी पिक्चर हमने सेलेक्ट की थी वो नीचे आ गई है। एक बार हम पूरी वीडियो को रन करके देखेंगे। आप मेनू बार में फाइल में जाएंगे और प्रॉपर्टी सिलेक्ट करेंगे। प्रॉपर्टी में जैसे सिलेक्ट करते हैं वीडियो एक्सपोर्ट आएगा। वीडियो एक्सपोर्ट में फ्रेम पर सेकेंड, इसे हम मिनिमाइज कर देंगे। अभी यहाँ 12 है, इसे हम कम कर देंगे। अगर आप एक से ज़्यादा पिक्चर्स ले रहे हैं, 30 पिक्चर्स ले रहे हैं, तो आप इसे अपनी स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने यहाँ कम पिक्चर्स दी है तो मैंने क्या किया है, फ्रेम पर सेकेंड को कम कर दिया है। अगर आप 30 पिक्चर्स ले रहे हैं तो फ्रेम पर सेकेंड 10 या 12 रख सकते हैं। फ्रेम पर सेकेंड सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई करेंगे। फिर से आप वीडियो को रन करके देख सकते हैं, इसकी स्पीड आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसे सेव करने के लिए हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट, वीडियो फॉर्म में एक्सपोर्ट करना है, वीडियो चूज करेंगे। फाइल को एक नेम दे देंगे, हम फाइल का नेम रख रहे हैं लाइफ साइकिल। इसे मैं डेस्कटॉप में सेव कर रही हूँ। डेस्कटॉप मैंने चूज किया, सेव बटन आप दबाएंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है यस और नो दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्योंकि मुझे कोई और चेंजेस नहीं करना है तो मैं नो ऑप्शन लूँगी। तो नो ऑप्शन लेने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आप देखिए सक्सेसफुल आया, आप सक्सेसफुल को ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसे आप क्लोज करें।
स्टॉप मोशन को हम मिनिमाइज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने फाइल सेव की थी वो फोल्डर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है लाइफ साइकिल। जैसे ही आप फोल्डर को क्लिक करते हैं तो आपने जो वीडियो बनाई थी ये रन हो जाती। तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे लैपटॉप में और सिस्टम में आप स्टॉप मोशन की हेल्प से एक वीडियो बना सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि एंड्रॉयड फ़ोन का यूज़ करके आप कैसे एक स्टॉप मोशन बना सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन पे इसे कैसे बनाएंगे। एंड्रॉयड फ़ोन में स्टॉप मोशन ऐप के लिए हम प्ले स्टोर में जाएंगे और स्टॉप मोशन ऐप डाउनलोड करेंगे। उसके लिए आप देखिए, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन यहाँ शेयर कर रही हूँ। हम इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के बाद ऐसा आपको स्क्रीन में दिखेगा। ओपन करेंगे हम। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करते हैं इस प्रकार की स्क्रीन आपको दिखेगी। स्क्रीन में आप देखेंगे आपको एक पहले से इनबिल्ट बिग फिश छोटी सी एक क्लिप दिखेगी और साथ में ही न्यू मूवी आएगी, इसे हम क्लिक कर लेंगे। न्यू मूवी को क्लिक करते ही ऐप कुछ परमिशन मांगेगा, तो आप अलाउ करते जाएंगे। इस ऐप में देखिए, मैं आपको मोबाइल की स्क्रीन दिखा रही हूँ। राइट साइड में कैमरा है, इसमें आप इनबिल्ट कैमरे का यूज़ करके आप जिस भी विषय का वीडियो बनाना चाहते हैं उससे संबंधित आप अपनी फोटो क्लिक कर सकते हैं। आपके पास कोई भी क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन के लिए यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो लेफ्ट साइड देखिए, सेकेंड ऑप्शन ये साउंड के लिए रहता है। इसमें ये ऑप्शन है कि हम अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसके बाद जो आइकॉन दिया हुआ है प्लस साइन का, इसमें काफ़ी फीचर्स हैं पर वो पेड हैं तो हम इसका उपयोग नहीं करेंगे। नीचे सेटिंग है, सेटिंग बटन को जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने पे आपको नीचे ये शो होगा। इसमें पहला जो है वो स्पीड के लिए है, जिससे आप फ्रेम पर सेकेंड जो स्पीड है इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है एस्पेक्ट रेशियो के लिए, आप रेशियो को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद का है फोरग्राउंड का, फिर है अपने पास फिल्टर। फिल्टर में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेड वर्जन है तो हम इसे नहीं लेंगे। इसके बाद क्वालिटी के लिए है, हम चाहें तो अपनी वीडियो क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं। और लास्ट जो है वो प्लेबैक का है। इस प्रकार ये इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। आप सिंपली फोटो क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अपनी वीडियो बनाने पर अगर आप चाहें इसमें वॉइस डालना है तो रिकॉर्ड बटन से सिंपली वॉइस डाल देंगे। किसी फ्रेम में अगर आपको और चेंजेस करना है, ऐड करना है, तो आप उस फ्रेम को कुछ सेकेंड के लिए प्रेस करेंगे तो आपको फिर से एडिट के लिए ऑप्शन दिखेंगे जो कि स्क्रीन में दिख रहे हैं, जो हम जनरली यूज़ करते हैं। एक बार आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप इसे शेयर करना चाहेंगे। शेयर के लिए आप अपने प्रोजेक्ट को प्रेस करते हैं तो ब्लू कलर का राइट टिक आएगा, साथ ही ऊपर शेयर ऑप्शन आते हैं। शेयर ऑप्शन को जैसे ही आप चूज़ करेंगे एक्सपोर्ट मूवी ऑप्शन आएगा, इसे आप चूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।